मैं अपने प्रोड्यूसर शो से Now what shall I do? Shall I remain here while he's making or let them do? Because you'll this will go in closes, na? Go. तो तो आता से इकड़े एक है मैं ये ऑर्डर दाखो दे मैं अपने प्रोड्यूसर से कितने समय से बोल रहा हूँ कि मुझे एक एपिसोड करना है सिर्फ अंडों पर और ये करने के लिए ये मुझे ऑल द वे इंदौर लेकर आया है तो मैं इंदौर में हूँ ये जो रास्ता है इंदौर का फेमस खाऊ गली है जिसको मेघदूत गार्डन कहते हैं और एक स्टॉल है यहाँ एक एक्चुअली एक कार्ट है यहाँ जिसका नाम है G3 और वो अलग 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 किस्म के अंडे बनाता है अंडे के प्रेपरेशन बनाता है तो चलो मेरे साथ और देखते हैं कि G3 के अंडे में खाने में क्या है वो क्या है ना इतने सारे एग्स देख के मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ तो मैं G3 रॉयल ऑमलेट स्टॉल में हूँ इंदौर में और मेरे साथ है इजाज इजाज भैया हेलो सर आपके पास तो बहुत सारे इतने मेन्यू देखो ना नियरली 39 वैरायटीज के एग्स हैं और मुझे अंडे बहुत पसंद हैं आपका सबसे क्या कहते हैं कि सबसे चलने वाला कौन सा आइटम है यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस एग घोटाला है एग घोटाला जी जी बिल्कुल पहले तो घोटाला बनाइए मेरे लिए मैं घोटाला ट्राई करूंगा फिर मुझे ऑस्ट्रेलियन हाफ फ्राई ग्रीन ग्रेवी भी टेस्ट करनी है जी जी बिल्कुल फिर मुझे बॉइल्ड एग क्या भुर्जी बॉइल्ड एग भुर्जी भी टेस्ट करनी है फिर मुझे बहुत फिर मुझे बहुत सारा टेस्ट करना ये रहे मेरे चार इन 39 से मैंने चार चुने हैं क्योंकि मेरा पेट छोटा है ना तो मैं सब खा नहीं सकता इसलिए मैंने चार ही डिशेस चुने हैं है? मैं शुरू करने वाला हूं अपने बॉइल्ड एग से अब बनेगी बॉइल्ड एग भुर्जी चलो बनाते हैं अगर मैंने ये डिशेस सब खाए ना 1, 2, 3, 4 तो 8 अंडे गए पेट के अंदर बटर पे बटर ये मेरे लिए तो 2-in-1 है क्योंकि मुझे बॉइल्ड एग बहुत पसंद है और भुर्जी बहुत पसंद है बॉइल्ड एग की भुर्जी चीज ऐसा लगता है कि मैंने बेस्ट पहले खा लिया बॉइल्ड एग इज फैंटास्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉइल्ड एग हैज अ सर्टेन टेक्सचर टू इट विच ऑमलेट डजंट और फिर उसे मसालों में डाल के उसको और चीज़ और बटर डाल के इसको इतना रिच बनाया ना मसाला थोड़ा सा ही है ज़्यादा नहीं है ज़्यादा तीखा भी नहीं है अभी ये ऑमलेट रोल ग्रेवी तो ये दो अंडे लिए हैं और ये क्या चटनी है इसका ये ग्रीन चटनी रहती है और इसमें सॉल्ट अच्छा चलो तो लीजिए
यहाँ ग्रेवी बन चुकी है, अभी इस पे ऑमलेट रेडी हो जाएगा। तो ये अंडे, चटनी और सॉल्ट मिक्स करके अभी इसका ऑमलेट बनेगा। डोंट मिस कितना बटर जा रहा है इसमें, बटर ही बटर है इसमें। ऑमलेट में जा रहा है चीज, तो ये हो गया चीज ऑमलेट। ऑमलेट रोल ग्रेवी का बेस है। क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, कुछ तो बन रहा है यार, लेकिन अच्छा अच्छा बन रहा है। ग्रेवी में बॉइल्ड एग ग्रेट हुआ है, यहाँ ऑमलेट रेडी हुआ है। अभी देखो क्या कर रहे हैं। तो ये ऑमलेट जो चीज ऑमलेट बनाया था उस पे बॉइल्ड एग मसाला डाल रहे हैं। हे वाह, अभी क्या करा रहे हैं उसके ऊपर और जा रहा है कुछ तड़का, बटर में तड़का। ये नीचे ऑमलेट है, ऑमलेट का रोल और उसके ऊपर ग्रेवी है। और जैसे आपने देखा होगा कि हर डिश में बॉइल्ड एग ग्रेट करके ग्रेवी में डाला हुआ है। ये ग्रेवी इतनी फैंटास्टिक है, ओह मैं ये डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रेवी के अंदर बॉइल्ड एग है। ग्रेवी का बेस जो है वो प्याज और एग योक का बना हुआ है, उसमें चीज भी है और मसाले। उफ उफ उफ, अभी घोटाला। घोटाला जो है दिखता है जैसे इसमें कीमा है, लेकिन नहीं, सिर्फ अंडे से बनाया हुआ घोटाला है। एक समय था जब मैं एडवर्टाइजिंग में था और अमूल बटर के होर्डिंग जो आते हैं ना वो लिखता था। आज मैं सिर्फ अमूल बटर खाता हूँ। खाऊं क्या? दूसरा आइटम करें। अभी क्या बना रहे हैं हम लोग? एक घोटाला। एक घोटाला, तवे पर पहले प्याज जाता है, बटर बटर बटर, लॉट्स ऑफ बटर मैन। मसाला बन रहा है घोटाले का, और सब मैश हो रहा है। तो ये मसाला रेडी हो गया। रुको, अंडा भी जाएगा इसमें। तो घोटाले में भी बॉइल्ड एग ही जा रहा है। आहा, मुझे बॉइल्ड एग से बहुत प्यार है। मुझे ये मुश्किल हो रही है कि आपको रेसिपी बताऊं, क्योंकि जैसे ये बनाता है सरप्राइजिंगली और इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। अभी देखो बॉइल्ड एग्स तो थे, अभी इसमें एग फ्राइड भी कर रहा है घोटाले के जैसा, भुर्जी के जैसे। हमारा एक घोटाला रेडी हो गया।
अब इसके साथ भी ये गरम गरम पाव आएगा। लगता है कि सभी के मसाले सेम है, और जो लगता है कि सभी में अंडा है, लगता है कि सभी में प्याज है, बटर है, चीज है, फिर भी हर डिश का एक अलग टेस्ट है। एंड दिस इज ब्रिलियंट। अभी एंड में हाफ फ्राई विथ ऑस्ट्रेलियन ग्रेवी। तीन किस्म के प्रेपरेशन हो गए। अभी एक आखिरी प्रेपरेशन है जो मैं चाहता था, उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन हाफ फ्राई ग्रीन ग्रेवी। देखते हैं ये ऑस्ट्रेलियन हाफ फ्राई ग्रीन ग्रेवी क्या है। ब्यूटिफुल, आई लव व्हेन एन एग फ्राइज, इट्स जस्ट द मोस्ट सेंसुअल फीलिंग। And now the Australian gravy. इसमें ऑस्ट्रेलियन क्या है भैया? अच्छा, नाम ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन ग्रेवी लेकिन नाम ऑस्ट्रेलियन है। देखो कैसे हाफ फ्राई मैंने पहले साइड में किया, ब्रेक किया, हाँ हाँ, फिर ये ग्रेवी लेकर योक में डाल के हर ऑस्ट्रेलियन को चैलेंज देता हूँ। जो भी ऑस्ट्रेलिया का आदमी है, एनीबडी, एनी माइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई चैलेंज यू, आप ऐसा मना के दिखाओ मुझे जो ऑस्ट्रेलियन ग्रेवी इंदौर में बनती है ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं बनती। इट्स टू गुड। इतना अंडा खाया है मैंने कि मैं खुद मुर्गी बन गया हूँ। मजा आ गया। जैसे इंदौर में कहते हैं एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, फैंटास्टिक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, अगर आपको ऐसे ही एपिसोड्स देखने हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर में आऊं, तो फिर यू हैव टू लाइक, यू हैव टू सब्सक्राइब, यू हैव टू कमेंट, यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू फॉलो, सब कुछ करना पड़ेगा। और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि भैया खाने में क्या है। Boiled egg, burji, like son-in-law eggs. It's in a way, yes. In a way, right? In a way, it's it like is. Indian, yeah. Indian version of that. Of absolutely, yeah. But I just love this. I mean, yeah. All of them. That just looks like. But look at it now. That last one is the. Is it Australian? Australian. Australian. They're Australian. Good. It's unbelievable, and I think you guys should try it after me. Yeah. Ek tight ghena ikde. You must take this shot. Egg yolk. Egg yolk. Done. Chalo, we'll cut and cut.